सीन देखिए, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इज इतना। अच्छा परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 होगा, है ना जी। चलिए तो ले लेते हैं यहाँ पे, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी एक्स वन वाई वन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कर्व दिया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। चलिए तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, 2x माइनस का 4, है ना। चलिए ये dy वाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन पे क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x1 माइनस 4। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन पे जी, 2y प्लस x इक्वल टू में 7। देखो यहाँ y इक्वल टू क्या जाएगा, देखो इसको इधर ले जाएंगे माइनस x प्लस 7 और ये डिवाइड में जाएगा, या एक काम करो अगले स्टेप पे ले जाते हैं, y इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 1 बाई 2x प्लस का 7 बाई 2, है ना। तो ये इस टेंजेंट का जो टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 ना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2x1 माइनस 4 इंटू में माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस का 1। चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 कॉमन कर लो, x1 माइनस 2 और इंटू में माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए माइनस से माइनस भी हट जाएगा यहाँ, ठीक है। तो x1 माइनस 2 इक्वल टू में 1, यानी x1 1 2 जाकर उधर ऐड हो जाएगा 3 आ जाएगा, x1 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए x1 3 आ गया, ऊपर आपके पास जो कर्व दिया हुआ है उसमें इसके अकॉर्डिंग y1 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस 4 x1 प्लस का 5। तो एट x1 इक्वल टू में 3 पर क्या हो जाएगा y1, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 प्लस का 5, है ना। तो यहाँ पे 9 माइनस 12 प्लस का 5, ठीक है। तो ये 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा नहीं मिल गया जी, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, जो होगा वह क्या हो जाएगा, x का है आपका x1 3 है और y1 2 है, 3 कॉमा 2। क्वेश्चन नंबर 17।